और ये जो मशरूम देख रहे हैं दोस्तों, हम गांव की भाषा में इसको पीरी बोलते हैं। और ये जो मशरूम हाथ में रखा हूँ, इसको बोलते हैं मुंडुल पीरी, मतलब मशरूम। तो ये जो मशरूम है, ये है मुंडुल, और ये वाला जो है चिरकू है। हाय के हो शाम तो अंदर आप लोगों को अभी ये मौसम देख के लग रहा होगा कि अभी सुबह हुई होगी, पर ऐसा नहीं है। अभी जो है बज चुके हैं सुबह के, मतलब 9 9 बज चुके हैं। और खाना पीना भी मैं अपना खा लिया हूँ। तो बस ऐसा ही है, पानी गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। इसे कहते हैं सावन की छड़ी। और सावन लगी है तो सावन की छड़ी भी लगी हुई है। 2 3 4 5 मतलब 4 5 दिनों से ऐसा ही है, ना तो कुछ काम करने देता और ना कुछ काम का है ये वाला जो गिरता है। आप लोगों के साइड ऐसा है कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। मेरा नाम है श्याम और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SYM व्लॉग्स में। और दोस्तों ये जो है मैं पहन लिया हूँ ये पानी से बचने के लिए। और अभी जो है मैं उधर जाऊँगा अपने बाड़ी में पैरा लाने के लिए गायों के लिए, क्योंकि गाय बैल जो है ऐसे में कहाँ चलेंगे जाते हैं, मतलब ठंडी बहुत है। तो अभी जो है गाय बैलों को लाएंगे घर, क्योंकि गाय बैलों को जो है छोड़ दिए थे चराने के लिए। तो अभी जो है ला रहे हैं घर, इसलिए जाऊँगा मैं पैरा लेने के लिए वहाँ पे अपने बाड़ी में। तो पानी गिर रहे हैं तो वहाँ का भी था, पर पानी के कारण जो उधर नहीं दिखा पाऊँगा। तो मिलता हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। और दोस्तों पैरा जो है मैं डाल दिया हूँ बैलों को, और पानी जो है कटने का नाम नहीं ले रहा है। और अभी बच चुके हैं 9:30 और पानी जो है कटने का नाम ही नहीं ले रहा है। एकदम से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। ऐसे में कोई करे तो करे क्या, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। और मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बने रहिए अगले वीडियो में और देखते रहिए। और अभी जो है पानी गिरते जा रहा है, और पानी गिरते मैं ही ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि घर पे था तो घर पे ब्लॉग वीडियो शूट करते नहीं बनता, मतलब घर पे जो है वीडियो शूट नहीं कर पाता मैं, क्योंकि घर में है, घर के लोग होते हैं तो उनके सामने मुझे वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता। इसलिए अभी जा रहा हूँ इधर ब्लॉग शूट करने के लिए, और आप लोगों के लिए इधर बारिश के टाइम में कैसा माहौल है और कैसा सीजन चलता है वो सब आपको दिखाने की इधर कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। और भाई अभी आप लोगों को ये मौसम देख के लग रहा होगा कि सुबह है, मतलब सुबह के 6 7 बजे होंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी जो है बज चुके हैं सुबह के 10:30, और 10:30 बजे भी ये लग रहा है कि अभी सुबह हुआ है। अभी अभी जो है पानी थोड़ा तेज़ हो गया है, तो मैं ना पूरे साइड पूरा भीग रहा हूँ, क्योंकि छाता जो है ऊपर ऊपर का काम देता है, और नीचे जो है मेरे पैंट साइड उधर पैंट मतलब पैर साइड नीचे भीग रहा हूँ मैं। तो देखता हूँ अभी थोड़ी देर से घर जाऊँगा। फिलहाल आया हूँ नदी पर, तो आप लोग नदी का नज़ारा देखिए यहाँ पर इस तरह से है। ये रही अपनी नदी, हमारे गांव की नदी। और पानी जो है इधर से आता है ऊपर साइड से, और इधर को जाता है यहाँ देखिए। और ये जो है दोस्तों ये नदी जाके सीधा जो हमारा
मतलब जो हमारा जिला है डिंडौरी जिला, वहाँ पे माँ बंदा है, तो उसी में जाके ये जो है मिलता है। और मेरे भाई पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पतली गिर रहा है, इसलिए भींग रहा हूँ और इसलिए मैं चाह रहा हूँ अभी घर, तो घर पर जाके बात करते हैं। भाई उधर पानी इतना तेज हो गया ना, मुझे फटाफट दौड़ के घर आना पड़ा, मेरा पैंट जो है पूरे भीग गया था, तो अभी चेंज किया हूँ। और कितना पानी गिरा है आप लोग खुद देखिए। और देखिए दोस्तों, हमें मिला इतना सारा पिहरी सुबह सुबह से, देख सकते हो। और इस पिहरी को क्या बोलते हैं मुझे तो नहीं पता कौन सा पिहरी है ये। बाकी ये वाला जो है इसको बोलते हैं मुंडुल हमारे गांव के भाषा में, और आपके इधर क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही पिहरी दोस्तों मुझे सबसे अच्छा लगता है, और इसको बोलते हैं हमारे गाँव के भाषा में चिरकों पिहरी। और देखिए माँ कितना सारा है, तो ले जाते हैं वहाँ पे। और देखिए यहाँ पे अम्मा जो है पीरियों को अलग अलग करके काट के उधर बॉईल करने के लिए चूल्हे में रख दिए। अभी बना नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ बॉईल कर रहे हैं इसको। बॉईल करने के बाद में इसको बनाएंगे बाद में इसकी सब्जी। तो अभी जो है इनको अच्छे से अलग अलग कर ली, अभी जो है इसको अच्छे से अलग अलग कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बनाएंगे। तो देखिए सब जो है अलग अलग हो गया है, और अभी जो है इसको पूरे पीरियों को गंजी में रख दिए हैं। A few moments later.